अस्सलाम वालेकुम नासरीन, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा व्हाट इज़ टीपीएचए टेस्ट। टीपीएचए टेस्ट क्या है, ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है और इसे कैसे आप बआसानी नेगेटिव करके बाहर के ममालिक जा सकते हैं। टीपीएचए टेस्ट पॉजिटिव की सिम्टम्स क्या हैं और ये टेस्ट करवाया क्यों जाता है। बहुत से लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए ट्राई करते हैं, दुबई, सऊदी अरब या किसी भी बैरूनी ममालिक में, तो उनका मेडिकल करवाया जाता है। उस मेडिकल में आपको कुछ टेस्ट लिख कर दिए जाते हैं। उन चंद टेस्टों में से एक टेस्ट का नाम टीपीएचए टेस्ट है। अगर ये टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाता है तो आपको बोला जाता है कि आप बाहर के ममालिक सफ़र नहीं कर सकते जब तक ये टेस्ट आपका नेगेटिव ना हो जाए, और मोस्टली पेशेंट्स इसमें परेशान हो जाते हैं। टीपीएचए टेस्ट करवाने के बाद अगर और भी कोई टेस्ट बचता है सिफिलिस की कन्फर्मेशन के लिए तो वो करवाया जा सकता है। लेकिन सिफिलिस और वीटीएल टेस्ट क्या है, इस पर पहले ही वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी आज की वीडियो में आंशिक यानी सिफिलिस के बारे में आपको दोबारा बता देते हैं। अगर आप वीटीआरएल वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आई बटन और एंड स्क्रीन पर मौजूद है, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो टीपीएचए के बारे में है। टीपीएचए एक टेस्ट है, जब किसी मरीज़ का वीटीआरएल टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उस वीटीआरएल को कन्फर्म करने के लिए टीपीएचए टेस्ट करवाया जाता है, ताकि पता लग सके कि आंशिक की वजह से पॉजिटिव आ रहा है या किसी और वजह से। टीपीएचए कई किस्म का होता है। जब वीटीआरएल की रेंज एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो टीपीएचए टेस्ट करवाने का कहा जाता है। इस वीडियो में आपको टीपीएचए टेस्ट की फुल डिटेल दी जाएगी। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि टीपीएचए टेस्ट किस बीमारी के लिए करवाया जाता है, वो बीमारी किस तरह ठीक होगी और ये बीमारी है क्या और इसका ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है। इस बीमारी को दूर करके आप अपने बाहर के ममालिक में सफ़र आसानी से कर सकते हैं। टीपीएचए टेस्ट एक बीमारी की जांच के लिए किया जाता है जिसे सिफिलिस यानी आंशिक कहा जाता है। ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये बीमारी एक बैक्टीरिया जिसे ट्रैपोनीमा पैलिटम कहते हैं उसकी वजह से होती है। ये बीमारी दो किस्म की होती है। एक कॉन्जेनिटल सिफिलिस होता है, जब आपका बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त उसमें चली जाती है, जैसे माँ को है तो उससे बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर आप 3 महीने के अंदर इसका ट्रीटमेंट करवा लें तो आप ठीक हो जाते हैं, और अगर आप लेट इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके बच्चे में बहुत से मिसाइल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे के दांत और हड्डियां टेढ़ी हो सकती हैं। और इसकी जो दूसरी किस्म आती है वो है एक्वायर्ड सिफिलिस है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी आपके जिंसी अमल की वजह से फैलती है। इसके अलावा जब आप अपना ब्लड किसी को देते हैं तो ये बीमारी फैल सकती है, या फिर जो ड्रग्स लेने वाले लोग किसी की इस्तेमाल की हुई सिरिंज को यूज़ करते हैं तब भी ये बीमारी लग सकती है। यहाँ आपको बताते चलें कि आंशिक के 4 स्टेजेस हैं। स्टेप बाई स्टेप इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सिफिलिस है। प्राइमरी सिफिलिस में आपने अगर कोई जिंसी अमल किया तो आपका जो नाजुक हिस्सा होता है उस पर आपको एक छाला बना हुआ महसूस होता है और ज़ख़म बना हुआ नज़र आएगा। जो लोग सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं उनको जिस्म पर किसी भी हिस्से पर निकल सकते हैं। जो लोग ओरल सेक्स करते हैं उनके लिप्स पर भी ये निकल सकता है, वो इसलिए पेनलेस होता है। अगर 3 से 4 हफ्ते में इसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी दूसरे स्टेज में चला जाता है। दूसरे स्टेज में इसके अलामत में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। इसमें आपको बुखार हो जाता है, समय दर्द, थकावट का होना, किसी काम करने को दिल ना करना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से पर रैशेस हो जाते हैं, मरीज को अपने स्किन पर उभरे हुए दाने नजर आएंगे, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जिस्म पर गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाती है, ख़ास तौर पर आपको अपनी गर्दन के अंदर बनी हुई नजर आएंगी। इसके अलावा हाथों और पाँव पे आपको छाले बने हुए ज़्यादा नजर आएंगे। अगर 2 से 3 महीने में इसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये तीसरे स्टेज लेटेंट सिफिलिस में तब्दील हो जाती है, जहाँ आपको इलामत तो कोई नज़र नहीं आती लेकिन जब आप टेस्ट करवाते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। अगर आप फिर भी ट्रीटमेंट नहीं लेते तो ये बहुत लंबे अरसे तक, मतलब 10 से 15 साल तक आपके अंदर खामोश बैठा रहता है, और फिर ये चौथे स्टेज ट्रेचरी सिफिलिस में तब्दील हो जाता है। ये स्टेज बहुत ख़तरनाक होता है। इसमें जिस्म के किसी भी हिस्से में गिल्टियाँ बन सकती हैं। इसके अलावा फालिज हो सकता है, शह रग फूल जाती है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से में दाने या छाले बन जाते हैं और कुछ अरसे बाद ठीक हो जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि लाजमी नहीं कि किसी बाजारी औरत के साथ मिलने की वजह से आपको सिफिलिस हो जाए, बल्कि बहुत तेज़ धूप में काम करने से और बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी आंशिक हो सकता है और टीपीएचए आपका पॉजिटिव शो हो जाता है। नाज़रीन, टीपीएचए टेस्ट तब करवाया जाता है जब आप बैरूनी ममालिक जाने के लिए
अपना मेडिकल टेस्ट करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका TPHA टेस्ट पॉजिटिव है और यानी आपको आंशिक है। इसके अलावा प्रेग्नेंट व्यूमन जब शुरू में अपने टेस्ट करवाती हैं तो उनको पता लगता है कि उन्हें आंशिक है। ऐसी सूरत में मरीज़ हमारे से रब्ता करते हैं और बताते हैं कि हमारे नाजुक हिस्से में कोई बड़े दाने या छाले बने हुए हैं, तो हम इनको TPHA टेस्ट करवाने का कहते हैं कि कहीं मरीज़ को आंशिक तो नहीं है। जब मरीज़ TPHA का टेस्ट करवाता है और वो पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है जिस्म में आंशिक के जरासीम मौजूद हैं। फिर हम मरीज़ को 1 से 2 महीने का ट्रीटमेंट देते हैं जिसके इस्तेमाल से मरीज़ का TPHA टेस्ट नेगेटिव हो जाता है और वह आसानी बाहर के ममालिक ट्रैवल कर सकता है। अपने पॉजिटिव TPHA को नेगेटिव करने के लिए आज ही हादी दवाखाना तशरीफ़ लाएं। इसके अलावा आप ऑनलाइन मेडिसिन भी किसी भी शहर या ममालिक में मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन मेडिसिन मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ करें।